हम लोगों ने मसाल जुलूस निकालने लाती है और लोगों को ठगने का काम करती है। हमें 1000 महिला योजना के द्वारा आज उनको याद आ रहा है कि हमें 1000 रुपया देना है। 5 साल उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने कहा था युवाओं को कि मैं रोजगार दूंगा, 5 लाख नौकरियां दूंगा, नहीं तो मैं भत्ता दूंगा, नहीं तो अपने कुर्सी से मैं त्याग पत्र दे दूंगा। आखिरकार उन्होंने अपना वादा क्यों नहीं निभाया? लगातार अब देख रहे पब्लिक परेशान है, नगर निकाय का चुनाव वो नहीं करा रहे, कि ये सरकार तब जनता के लिए सोच रही है और ना ही महिलाओं के लिए, ना ही युवाओं के लिए। तो ये कैसी सरकार है? ये सिर्फ ठगने का काम कर रही है, ये सरकार ठग रहा सरकार। जमीन पर आपको दिखाई दिया गया 25 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल बीपीएल वाले लोगों को सब्सिडी दिया जाएगा। एक भी आदमी खड़ा कीजिए जिसको झारखंड में 40 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड बनाया गया, अलग से राशन देने का व्यवस्था किया गया। क्या किसी को ग्रीन कार्ड का 1 किलो अनाज मिला? अभी अभी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में कहा बालू को हम बीपीएल धारी को मुक्त करेंगे, क्या किसी को 1 छटाक बालू मिल रहा है? हेमंत सोरेन जी ने एक घोषणा और किया था कि जो भी झारखंड में लोग मरेंगे तो मुफ्त में कफन दिया जाएगा, क्या किसी को 1 गज कफन भी मुफ्त में देने का काम किया? आज तक इन्होंने जो बोला, झूठ बोला, असत्य बोला, जनता को ठगने का काम किया, और वही आक्रोश आज आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है, और वही आक्रोश 23 तारीख को भी आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हम तो सरकार को यही बोलेंगे कि किसी को शौक नहीं है कि रोड पर आकर के रोज हो हल्ला शोर शराबा करे। जनता इतना क्राइम है लेकिन उनको SC DC में बैठने के अलावा और कुछ सुविधाई नहीं है। हर समय सब कुछ हो जाता है, वो अपना मनमानी है, वो भी पैसा पे करके वोट खरीदने का राजनीति कर रहे हैं। इसलिए युवा सब सारे जनता परेशान है कि ये देश क्या चलाएंगे, जो छल छल कपट से अपना देश को जनता को ठगने के काम कर रहा है, ये देश क्या चलाएगा? कोई योजना नहीं है, इतना दिन से योजना नहीं है। अभी चुनाव के समय आते हैं, कोई योजना के लागू होते होते चुनाव आ जाएगा और फिर इनका कोई योजना हुए वो खटाखट दे रहे थे ना, इनका भी मैया बप्पा योजना योजने रह जाएगा, कुछ देने वाले नहीं। मैडम पहला किस्त तो आ गया है उनका दिया हुआ, पहला किस्त आ गया है। अरे तो चारा देता है ना, पहले वही चारा दे रहा है, एक आधो दो को दे देंगे, चुनाव से पहले दे करके कुछ आदमी को लोग लालच देंगे तभी तो उनको फिर लाठीचार्ज हुआ है। 12 शिक्षक के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, 50 स्वयं सेवक धरने पर है, IPS इंस्पेक्टर धरने पर है, इनका हिसाब किताब हेमंत सोरेन जी।
आपको देना पड़ेगा, वरना सरकार छोड़कर जाना पड़ेगा। याद रखिए पूरा प्रदेश का युवा आक्रोशित है और आपको सरकार को आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं कि आपका ये डाटा है, आप 5 साल में 25 लाख रोजगार नहीं दे पाए। अब 5 साल पूरे गिनती करेंगे तो 10,000 का भी आंकड़ा ये सरकार जेमन कांग्रेस की सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए वादा खिलाफी के खिलाफ 23 तारीख को पूरे प्रदेश के युवा आक्रोशित होकर रांची के सड़कों पर सरकार को आईना दिखाने का, सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का लोग काम करने वाले हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए हेमंत जी, हम लोग आपका दरवाजा खटखटा के आपके हिसाब किताब लेने 23 तारीख को 23 अगस्त को रांची के मोराबाद निकलेंगे तो लाखों युवा सड़क पर होंगे। झारखंड के हर बेरोजगार युवक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और झारखंड का हर बेरोजगार सड़क पर रहेगा। आप जिधर नजर उठाएंगे सिर्फ युवा ही युवा दिखेंगे। और जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, राज्य में किसी भी राज्य का सत्ता हो, सत्ता परिवर्तन हुआ है, यहाँ भी युवाओं ने हुंकार भरा है, सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। सरकार ने कहा था 5 लाख हर वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, 5,000 भी नहीं दिया प्रति वर्ष, कहा 5,000 रुपये और 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो 1 रुपया भी नहीं मिला। लगातार प्रश्न पत्र यहाँ लीक हो जाते हैं, प्रश्न एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है उसमें त्रुटियाँ आ जाती है। तो युवा क्या करे, युवा अपने खेती बाड़ी को बेच कर मार बात खा कर यहाँ पढ़ने आया है गाँव से शहर में, और वो जब इस तरह से ठगा जाता है तो वो युवाओं का आक्रोश आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से परेशान है और इस सरकार के गलत जो तरीके से इन्होंने 5 साल राज्य को चलाने काम किया उसे त्रस्त है। युवा लगातार एग्जाम का पेपर आप देखिए लीक हो रहा है, सेट हो रहा है, 25 लाख, 30 लाख, 60 लाख, ये एक एक वैकेंसी सेट की जा रही है। 25 लाख रोजगार 5 साल में इस सरकार को देगा था, अभी तक इसने किसी को रोजगार नहीं दिया। यह सरकार आदिवासियों की बात करती है, इसने आदिवासियों को लूटा है, आदिवासियों को ठगा है। इस सरकार के कार्यकाल में 8,000 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। तो हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा रोजगार पर ही अगर बात करें।